हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार्टअप क्लिनिक। मैं हूँ लक्ष्मी, आपके बिजनेस कोच एंड मेंटर। आज हम सप्लीमेशन प्रिंटिंग बिजनेस कैसे स्टार्टअप करना है, उसके लिए कितना बजट होगा, कैसे ऑपरेट करना है, किस टाइप ऑफ प्रॉफिट हमें मिलता है, कैसे स्कोप है, कहाँ पे बेच सकते हैं, ऐसे अलग अलग चीज़ों के ऊपर जिसको आपको डाउट होता है, वो सारा चीज़ें आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में पहले आपको प्रिंटिंग का भी प्रोसेस दिखा देंगे। इस प्रिंटिंग प्रोसेस को दिखाने के लिए हमारे साथ है हमारा कंपनी स्टार्टअप क्लिनिक 99 सप्लीमेशन का ट्रेनर नितिन। तो ये हमारा नितिन, आज हम किस टाइप ऑफ डिज़ाइंस को हम प्रिंटिंग कर रहे हैं देखेंगे। आज हम मोबाइल कवर्स के ऊपर हम प्रिंटिंग कर रहे हैं। जितना हम यूज़ करेंगे फ़ोन को, उतना हम मोबाइल कवर के डिज़ाइंस पीछे हम लगा के रहेंगे, क्योंकि हर लोग मतलब एवरी वन हमें फ़ोन को चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको चेंज करेंगे। अब यहाँ पर डिज़ाइंस देख सकते हो, कपल डिज़ाइन है, ऐसे कपल डिज़ाइन है, आपको देख सकते हो यहाँ पे। इस कपल डिज़ाइन को हम दो मोबाइल कवर्स के ऊपर प्रिंट कर सकते हैं, क्योंकि कपल डिज़ाइन बहुत फेमस होते हैं, बहुत अच्छे से होता है डिज़ाइन, क्योंकि हर एक दो लोग ऐसा ही सेम डिज़ाइंस को हमें चाहिए होता है। सो इस टाइप ऑफ डिज़ाइंस को भी आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जितना क्रिएटिविटी से हम काम करेंगे उतना ही बेस्ट होता है। इसमें हम कौन सा मशीन को यूज़ करेंगे जो इस काम के लिए यूज़ कर पाएंगे, सो यहाँ पर आप देख सकते हो, और रेड कलर का मशीन जो यहाँ पे दिख रही है, इसी मशीन को हम यूज़ करेंगे प्रिंटिंग बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए, मोबाइल कवर्स को स्पेशली। इसमें मोबाइल कवर्स के अलावा 10,000 प्रोडक्ट्स को हम प्रिंटिंग कर सकते हैं, मग्स है, फ्रेम्स है, सुपर बॉटल्स है, उसके बाद मॉस का है, जो ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स के ऊपर हम काम करेंगे इसको यूज़ करके। लेकिन वो प्रोडक्ट्स दूसरे मशीन्स में भी हम यूज़ करते हैं, लेकिन मोबाइल कवर जो है वो इसके अलावा कोई दूसरे मशीन नहीं है जो हम परफेक्टली हम प्रिंटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो आफ्टर प्रिंटिंग भी कि किस टाइप ऑफ प्रोडक्ट हम कर रहे हैं और उसके आउटपुट कैसे आते हैं, उसमें कलर क्लैरिटी कितना आता है। सो इसमें क्या कि हमें इस मशीन के साथ एफिटीज़ हमें मोबाइल कवर का बिज़नेस स्टार्ट करना है। एक तो मशीन चाहिए, दूसरा एक प्रिंटर चाहिए, उसके लिए इंक एंड पेपर जो ट्रांसफ़र करने के लिए जो मेनली यूज़ होते हैं, क्योंकि रिमाइनिंग सारा मशीन से टेम्परेचर से, लेकिन ये ट्रांसफ़र करने के लिए बहुत मेन रोल प्ले करते हैं इंक एंड पेपर, क्योंकि वो हीट करने के टाइम पे ट्रांसफ़र होते हैं, है ना। सो इसके बाद टेफ्लॉन टेप है, मोबाइल कवर से जो आपका पसंद का मॉडल्स आप देख सकते हो, एंड मोल्ड्स जो हम इसको प्रिंट करने के लिए यूज़ करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो डिज़ाइन आपको दिखाया, तो इस डिज़ाइन को इस मोबाइल कवर के साथ जोड़ के रखा था, बिकॉज ये टेफ्लॉन टेप है, इसके साथ जोड़ के रखने से क्या होता है, ये प्रिंट हिलेगे नहीं है, हिलेगा तो फिर ब्लर आ जाता है। इस ब्लर को हम अवॉइड करने के लिए वो हम मैंने जो बताया था ना, जो टेफ्लॉन टेप को यूज़ करेंगे, और ये है हमारा मोल्ड। इस टाइप ऑफ मोल्ड्स को हम यूज़ करेंगे जो हम मोबाइल कवर को प्रिंट करने के लिए यूज़ करते हैं। सो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोल्ड सेट्स होते हैं, एंड आज के वीडियो में हम ये देखेंगे मोबाइल कवर 2 मिनट्स में प्रिंटिंग हो जाते हैं, एंड एक बार में 4 मोबाइल कवर्स मतलब एट ए टाइम 4 मोबाइल कवर्स को प्रिंटिंग कर सकते हैं। मशीन ऑन करेंगे, 200 डिग्री का टेम्परेचर में मशीन को मेनटेन करेंगे, एक ही बार पूरा डिज़ाइन रेडी कर लीजिए, फटाफट हम प्रिंटिंग कर सकते हैं आराम से। 1,000 मोबाइल कवर्स एक दिन में हम प्रिंटिंग कर सकते हैं। आप सोचिए कि कितना अच्छे से हमें इसमें कैपेसिटी है, जो हमें एक दिन में 1,000 मोबाइल कवर्स को प्रिंट कर सकते हैं। इसके डिज़ाइंस भी मैं आपको दिखाता हूँ, आप आ जाइए मेरे पीछे, आप यहाँ पे देख सकते हो कितना कलरफुल डिज़ाइन है जो हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या है कि कलर्स आप देख सकते हो, ब्राइट हो लाइट हो, एग्जैक्ट कलर्स यहाँ पे आपको मेंशन है। तो इस टाइप ऑफ प्रिंटिंग आप एग्जैक्टली प्रिंट करने हैं, इंक का क्वालिटी एंड पेपर का क्वालिटी मेंटेन करना है। जो मैं यूज़ करती हूँ आपको आफ्टर प्रिंटिंग के बाद जो पेपर है वो मैं दिखा देती हूँ। जो मैं यूज़ करती हूँ वो है 99 सप्लीमेशन का ड्यूअल कोटेड हाईली डेफिनेशन पेपर यूज़ करती हूँ, एंड 99 सप्लीमेशन का वाटर प्रूफ इंक यूज़ करती हूँ। इंक में वाटर मिक्स नहीं है, इसकी वजह से ही मेरा प्रिंट जो है वो क्लियरली जो कलर है वो कलर एग्जैक्टली ट्रांसफ़र होता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा बजट हो मतलब यहाँ पे हमारे जो चीज़ें चाहिए वो हमने बात कर लिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्कोप, कहाँ पे कैसे बेचना है, कितना प्रॉफिट है हमारे पास। सो यहाँ पे हमारा जो मोबाइल कवर को सेल करते हैं, तो फिर मोबाइल कवर पर हमारा परचेजिंग का कॉस्ट क्या है, 15 से 18 रुपये का मोबाइल कवर है। तो 15 से 18 रुपये का मोबाइल कवर में हमें प्रिंटिंग करेंगे, तो एक बार में 4 मोबाइल कवर होता है, तो फिर प्रिंटिंग का वो इलेक्ट्रिसिटी का कितना खर्चा होगा। ओके, सो सब कुछ इंक पेपर टेप एवरीथिंग मिला के 4 रुपये से 5 रुपये ऐसा ही आपको लगेगा, इससे कम ही लगता है। ओके, सो इफ़ इट इज़ ऐसा ही आप देख लिया, तो आपको 22 रुपये में मोबाइल कवर हाथ
में आ रही है. सो मोबाइल कवर हम बेचेंगे, इफ़ इट इज़ मैंने मिनिमम टू मिनिमम होलसेल में भी प्रिंट कर रहे हो, मतलब सेल कर रहे हो, तो 50 रुपये में मैंने डाल दिया. तो 50 रुपये में हमने डाला तो फिर कितना हुआ था, 20 से 30 रुपये का प्रॉफिट हमारे पास मिल रहे. तो इफ़ इट इज़ एक दिन में 1000 मोबाइल कवर्स भी प्रिंट करेंगे तो 30 रुपये × 1000 30,000 रुपये एक दिन का होता है, वही एक महीने का 9 लाख का आपका प्रॉफिट मिल रहा है, ओनली प्रॉफिट है ये. तो ऐसा बिज़नेस क्यों नहीं चाहते हैं सब लोग, क्योंकि इसमें करने का चाहत होना चाहिए. बिज़नेस है ऐसा चीज़ है, हमें करना है तो फिर पूरा श्रद्धा से करना है कि हाँ मैंने स्टार्टअप कर लिया, आधा काम यहाँ पे कर लिया आधा काम वहाँ पे कर लिया, तो बिज़नेस चलता नहीं है. जो बिज़नेस जो भी काम करोगे, नॉट ओनली बिज़नेस, कोई भी काम करो आप पूरा श्रद्धा से करोगे ना तो वो सक्सेस ही मिलेगा. तो उसके लिए हमें पहले, क्योंकि इफ़ इट इज़ घर में बेबी आता है तो फिर इतना केयरफुल्ली हमें उसको पालते हैं, क्योंकि सेंसिटिव होते हैं बच्चे जब छोटे होते हैं, उसके बाद बढ़ते बढ़ते उसका हम ध्यान रखना छोड़ देते हैं बिकॉज अपना खुद का ध्यान रखते हैं क्योंकि थोड़ा बड़ा हो गया. ऐसा ही बिज़नेस है, जब स्टार्टअप स्टेज में होता है तो फिर हमें पूरा ध्यान से बिज़नेस को आगे बढ़ाना है. एक स्टेज ऐसा आ जाता है तो क्योंकि बिज़नेस में ऑटोमेटिकली आपको पैसा आना स्टार्ट होता है कि तब उसमें हमें इतना ध्यान से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ता है. सो उस रेंज तक जाने के लिए पहले हमें मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि ये बिज़नेस है. एक दिन में हमने सीड डाल दिया, हाँ हमारे पास पैसा आ गया, ऐसा नहीं होता है. बिज़नेस है, कोई भी आप काम करिए, लाइक फ्रूट, कोई भी ट्री को आप कर रहे हो, सीड को डाला, तो उसके लिए टाइम लगता है. इफ़ इट इज़ आम का भी पेड़ है, कितना टाइम के बाद वो फ्रूट्स देना स्टार्ट करते हैं, पहले दिन में नहीं देते हैं. ऐसे ही हमें बिज़नेस भी ऐसा होता है कि पहले दिन में हमें प्रॉफिट्स नहीं आएगा, धीरे धीरे आपको क्लिक करने के बाद, आपको जान पहचान होने के बाद आपको ज़्यादा मिलता है. बिज़नेस प्लानिंग वगैरह भी होते हैं, ट्रेनिंग्स वगैरह फ्री है यहाँ पे आपको. इसके लिए हमारे जो स्टाफ है, आपको जो सपोर्ट करने वाला है, वो सब कुछ सब लोग इंजीनियरिंग एंड MBA स्टूडेंट, MBA पर्सन है, जो आपको ईजिली को हैंडल करेगा एंड आगे बढ़ाने के लिए कैसे है बता देगा. और यहाँ पे आप देख सकते हो मोबाइल कवर, मैंने बताया था कि कम्प्लीटली ट्रांसफ़र हो चुका है, उसमें कलर्स देख सकते हो, है ना. आई लाइक मिल्क एंड आई लाइक दूसरा चीज़ दिखाया था, तो देख सकते हो. तो इस टाइप ऑफ प्रिंटिंग आपको करना है तो फिर आपको ऐसा ही कलर्स आपको ट्रांसफ़र करना है. सो इंक एंड पेपर, मैंने पेपर बताया था ना, इसमें कलर आपको दिख रहा है कोई भी कलर की, हाँ हमने इस कलर को हमने ट्रांसफ़र किया करके ये भी पता नहीं चल रहा है. तो ऐसा कलर्स ट्रांसफ़र होना है तभी आपका क्वालिटी परफेक्ट होता है. सो आज के वीडियो में हमने देखा था मोबाइल कवर बिज़नेस हमें कैसे स्टार्टअप कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कितना प्रॉफिट है, कितना मार्जिन्स है, एंड कैसे स्टार्टअप करने के लिए. ओके, मैं बजट नहीं बताता, इसका बजट जो होता है वो 1 लाख से 10 लाख के बीच में हमारा बजट मिलता है, क्योंकि इसमें आपको सब्लिमेशन में ऐड ऑन करके जा सकते हो. इसमें नॉट ओनली दिस वन, प्रिंटर वगैरह मैंने बता दिया था, पेपर, इंक, टेप, मोल्स, मोबाइल कवर्स, ये हमारा चीज़ें जो बिज़नेस स्टार्टअप करने के लिए चाहिए. ऐसे ही अपडेटेड वीडियो सबको चाहिए होते हैं, तो आपको सो छोटा सा काम करना है, वो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन आ जाएगा. इस नोटिफिकेशन से आपको पता चल जाता है कि किस टाइप ऑफ बिज़नेस हमें स्टार्टअप करना है. इसके अलावा बिज़नेस प्लानिंग के बारे में, डिजिटल मार्केटिंग कैसे होते हैं, बिज़नेस कैसे टाइप ऑफ बिज़नेस को हमें स्टार्ट करना है, ऐसा अनेक चीज़ों के ऊपर आपको लर्न करना है. तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में मोहन चंद्र जी का वीडियोस होता है, उसमें आप ईयरफोन्स लगा के सुन लीजिए, क्यों बिजनेस करना है ये भी आपको पता चल जाएगा. बस उसको डाउनलोड करके नोटिफिकेशंस को बंद करके आप सुन लीजिए. एंड दूसरी बात है, कॉन्टैक्ट करने के लिए नीचे दिए हुए फ़ोन नंबर्स है, उन लोगों को आप फ़ोन करके बात कर सकते हो. अपना अपना नीरेस्ट लोकेशंस में जाकर ट्रेनिंग्स आप ले सकते हो, उसका कम्प्लीटली फ्री ट्रेनिंग से, कोई भी चार्ज नहीं लगा रहे हैं अभी 31 दिसंबर तक, नेक्स्ट ईयर 31 दिसंबर तक हमें कोई चार्ज नहीं ले रहे. तो देखा है ना आज 99 सब्लिमेशन प्रिंटिंग का बिज़नेस कैसे चल रहा है, कितना प्रॉफिट्स है, एंड फ्रेंचाइज 99 सब्लिमेशन का फ्रेंचाइज बिज़नेस भी होता है, उसमें आपको गारंटी इनकम भी होता है. सो अभी हम बात करेंगे स्टार्टअप क्लिनिक. स्टार्टअप क्लिनिक क्या है? स्टार्टअप क्लिनिक ऐसा चीज़ है, ऐसा प्लेस है जो आपको सोल्यूशंस मिलेगा. आपको हर एक का कोई ना कोई प्रॉब्लम होता रहता है. सो मैक्सिमम पीपल का हर एक का क्या प्रॉब्लम होता है? पैसा ही प्रॉब्लम होता है. घर पर शांति होना चाहिए तो पैसा होना चाहिए. पैसा हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होता है, क्योंकि कुछ चीज़ चाहिए होती है, झगड़ा होता है, उसी चीज़ के लिए आपको पैसा हो गया तो झगड़ा नहीं होते. ऐसा ही कोई एवरीथिंग, एवरी प्रॉब्लम के पीछे हमें पैसा की ज़रूरत पड़ता है. सो वो पैसा कैसे कमाना है आपको सिखाएगा स्टार्टअप क्लिनिक, क्योंकि फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड वी टीच हाउ टू अर्न मनी. पैसा कैसे कमाना है ये आपको सिखाएंगे स्टार्टअप क्लिनिक में. स्टार्टअप क्लिनिक क्या है, किस टाइप ऑफ बिजनेस आप स्टार्टअप कर सकते हैं ये भी आप देखेंगे. मेरे पीछे आप देख सकते हो स्टार्टअप क्लिनिक का लोगो जो है, यहाँ पे आप इसमें देख सकते हो लर्न वैल्यू अर्न. सो हम इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिज़नेस को हम स्टार्टअप करेंगे,
इसमें जो है सोलर एलईडी एंड प्रिंटिंग, प्रिंटिंग के बिज़नेस के बारे में अभी हमने बात किया था कि किस टाइप ऑफ प्रिंटिंग बिजनेस हमें स्टार्टअप कर सकते हैं, तो सब्लिमेशन में किस टाइप में कितना बजट में, ऐसा हमने आज के वीडियो में देखा था। ऐसे ही डिजिटल मार्केटिंग आईटी के डिपार्टमेंट में भी कोई बिज़नेस स्टार्टअप करना चाहते हो तो स्टार्टअप कर सकते हो, फर्नीचर एंड इंटीरियर बिजनेस को भी स्टार्टअप कर सकते हो, फूड एंड होटल्स में भी हो सकता है, क्लॉथ्स लेदर्स। सो जिसको भी अपना अपना ये होता है ना इंटरेस्ट कि मेरे को इस टाइप ऑफ बिज़नेस को स्टार्टअप करना है, कि इसमें दिलचस्पी होता है, तो वो अपना हिसाब से बिज़नेस को स्टार्टअप कर सकते हैं। फार्मिंग का बिज़नेस भी कर सकते हैं, व्हीकल्स, इंजेक्शन मोल्डिंग, ब्रिक्स, सैनिटरी पैड्स, ऐसा अनेक चीज़ें हैं जो बिज़नेस हमें स्टार्टअप कर सकते हैं। तो देखा है ना आज के वीडियो में हमने देखा है कि मोबाइल कवर प्रिंटिंग बिजनेस कैसे स्टार्टअप करते हैं। मोबाइल कवर को प्रिंटिंग करने के लिए 2 मिनट का टाइम रखा था हमने, टेम्परेचर 200 डिग्री का टेम्परेचर को यूज़ किया था। ऐसे ही अपडेटेड प्रिंटिंग बिजनेस में ऊपर हमें क्या काम कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है, ऐसे अनेक चीज़ें हैं जो हम सीख सकते हैं। सो इस डिटेल्स के लिए आपको आगे चलने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकॉन को प्रेस करने से नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, अंटिल देन टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों हमारा जो विजन है वो पूरा अलग है, इस देश से गरीबी हटाना चाहते हैं, तो गरीबी हटाने के लिए आप अपने आपके घर से गरीबी हटाना पड़ेगा। जो यदि आप एग्जिस्टिंग बिजनेसमैन हो, आपके बिजनेस को भी हम ग्रो करेंगे, एक नया बिजनेस करना चाहते हो वो बिजनेस को भी सिखाएंगे। हमारा सोच में है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ केयर। इस एंटायर शो के ऊपर के बीच में मोहन चंद्रा, जो अनेक NGOs में ऑलरेडी काम कर चुके हैं, अब जो हमारे साथ आपके साथ मिलके एक नया दिशा के ओर लेके जा रहे हैं 2034 तक गरीबी हटाना। तो गरीबी हटाने के लिए आप अपने आप के घर से गरीबी हटाओगे, उसके लिए आपको पढ़ना होगा, सीखना होगा, हर दिन आपको नया कुछ करना होगा, एग्जिस्टिंग बिजनेसेस को बढ़ाना होगा या नया बिजनेसमैन बनना होगा। तो इस देश से गरीबी हटाने के लिए पहला उद्देश्य है, तो आप अपने आप के घर से गरीबी हटाओगे, हम लोग क्या पढ़ाएंगे, हम लोग आपको एक स्किल को डेवलप करेंगे, जो स्किल है सेलिंग स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल, पीपल मैनेजमेंट स्किल्स, ऐसे अनेक स्किल्स के साथ जो है आप अपने जीवन में एक नया रास्ता के ओर चल सकते हो, एक नया दिशा के ओर चल सकते हो, तो देश की गरीबी हटाने में मदद कर सकते हो मेरे दोस्तों। तो आप हमारे सम नंबर्स में कनेक्ट कीजिएगा।